हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मान लीजिए हमारा कुछ इवनिंग में स्नैक खाने का मन हो, थोड़ी सी हमें भूख लगी हो क्योंकि हम स्मूदी ले रहे हैं तो या फिर कोल्ड कॉफी ले रहे हैं तो उसके बाद हमें हल्की फुल्की भूख लगती है, तो उसी का आज मैं एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी स्नैक लेके आई हूँ, फुल ऑफ एनर्जी लेके आई हूँ और बहुत सारे कलर्स के साथ उसे लेके आई हूँ। अगर आपका चाट खाने का मन हो, जी हाँ मैं सही बोल रही हूँ कि आप व्रत में चाट खा सकते हैं, वो भी वेट लॉस वाली। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हूँ और इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि हर किसी के घर में अवेलेबल हैं, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे। चटनी सबको बनानी आती है बट जिन लोगों को बनानी नहीं आती है उनके लिए मैं यहाँ पे एक फास्ट मोड पर इमली की चटनी बनाना बता रही हूँ। फर्स्ट आपको इमली को आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए, उसके बाद आप एक नॉनस्टिक कढ़ाई में बिल्कुल आधा चम्मच देसी घी डालिए, बहुत थोड़ा सा देसी घी डालिए आप। अब आपको उसमें वो जीरा डालना है, में आपने बीज निकाल लिए थे और आपको छान के वो पल्प तैयार करना है। इसके बाद आप इसमें सेंधा नमक डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे और भुना जीरा डालेंगे और इसके बाद आप इसमें जैकरी यानी कि गुड़ डाल के इसे बॉईल करेंगे जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी रोटी मेकर मशीन लगा दी है कि ये गर्म हो जाए। आप यही सेम प्रोसेस अपने नॉनस्टिक तवे के में भी कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट मुझे हरी धनिया लेनी है, इसके बाद आपको अदरक लेनी है, दही लेना है, लो फैट दही लेना है यानी, और चटनी लेनी है जो अभी आपने बनाई थी चटनी, और हरी मिर्च लेनी है, अनारदाने लेने हैं, ऑफ कोर्स आपको पोटैटोज लेने हैं, बॉयल्ड पोटैटोज लेने हैं स्लाइसेस में। फ्रेंड्स, अगर आपके आप जो दही लेंगे वो ध्यान रखिएगा कि लो फैट मिल्क हो, अगर आपके पास गाय का दूध है तो आप उसका भी दही जमा सकते हैं। तो मैं बहुत थोड़ा सा देसी घी डाल के ये सारी स्लाइसेस इसमें डाल दूंगी जिससे कि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए और हमें भुनी भुनी सी टिक्कियाँ मिलें। यही सेम प्रोसेस आपको अपने नॉनस्टिक तवे में करना है और इसके बाद आप देख लीजिएगा कि एक तरफ से हो गई हो तो आप इन्हें दूसरी तरफ कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि ये जो नवरात्र हैं मैं रोज़ आपको एक ऐसी डिश दूं जो आप खाएं भी, आपकी क्रेविंग भी पूरी हो और आपका वेट लॉस भी हो, मतलब बिल्कुल भी आप उसे खाइए, जी भर के खाइए और आपका वजन बिल्कुल भी ना बढ़े। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ आपको एक डिश दूँ और ऐसी डिश दूँ जो हेल्दी भी हो, फुल ऑफ विटामिन हो, मिनरल्स हो और आपका वजन भी बिल्कुल ना बढ़े। तो आज ये मेरी फर्स्ट डिश है, मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं एक डिश और डालूँ, अपलोड करूँ जिससे कि आपको उससे भी कुछ हेल्प हो, कुछ आइडिया मिले। तो ये सारी टिक्कियाँ पलट के मैंने देख ली हैं, ये एक तरफ से रोस्ट हो गई हैं, दूसरी तरफ से मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ और ये देखिए दोनों तरफ से रोस्ट होके मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ। तो फर्स्ट एक प्लेट में आप सारी टिक्कियाँ रखिए, इन सारी टिक्कियों को अच्छे से सजा दीजिए। उसके बाद आपको सेंधा नमक डालना है, काली मिर्च पाउडर डालना है और जीरा पाउडर डालना है, क्योंकि हमने पोटैटोज में कोई भी नमक पहले नहीं डाला था इसलिए फर्स्ट हम सेंधा नमक डालेंगे। उसके बाद जो चटनी हमने तैयार की थी वो चटनी इसमें स्प्रेड करेंगे। उसके बाद अपना लो फैट मिल्क मतलब दही इसमें डालेंगे। इसके बाद हरी मिर्च, कैसा आपको तीखा खाना है, कम तीखा खाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें हरी मिर्च डालिए। फिर आपको इसमें अदरक डालनी है, घिसी हुई अदरक डालनी है और गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे हरी धनिया यूज़ कर रही हूँ और अनार के दाने यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये चाट आप ट्राई ज़रूर करिएगा, ये खाने में जितनी सुंदर है, जितनी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत थोड़ा सा है, इसमें फुल ऑफ कलर्स हैं, फुल ऑफ विटामिन्स है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो खाइएगा, ट्राई करिएगा, कैसी लगी है आपको।
तो फ्रेंड्स आपने देखा, ये देखने में जितनी ही सुंदर लग रही है, खाने में उससे ज्यादा टेस्टी है। मैंने खाया इसको और सबने खाया, सबको बहुत टेस्टी लगी। और ट्राई जरूर करिएगा और इसका रिव्यू मेरे साथ शेयर भी जरूर करिएगा। इसको खाने के बाद काफी एनर्जेटिक फील आप करेंगे। और थोड़ा सा लो फैट मिल्क ही यूज करिएगा। और ये जो मैंने चटनी इसमें बताई है इमली वाली, ये आप अपने फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और किसी और स्नैक के साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ रात में फिर आपसे 10 बजे, और लाइव चैट में जरूर आइएगा। जिनको नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रही है वो भी मेरे चैनल पर आइए और आपको मैं लाइव दिख जाऊंगी। तो चलिए फिर रात में 10 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।